Good morning, smart learners. How are you all? I hope you all are fit, fine, and healthy, and spending quality time with your family members. Dear children, God has blessed us with so many beautiful things. So let's all together thank to God for His blessings. All of you, join your hands and recite the morning prayer. Today we are going to do part 2 of chapter 12. The name of this chapter is Fun and Play. We will do page number 74, 75 and 76. We will also see the animation of this chapter. So all of you be ready with your books. Open page 74. It is very necessary to have fun in life. काम के साथ साथ हमें अपने आप को रिफ्रेश करना चाहिए, अपना रिक्रिएशन करना चाहिए. रिक्रिएशन करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं. एक तो हम अपनी मनपसंद गेम खेलकर अपने आप को रिक्रिएट कर सकते हैं, अपना एंजॉयमेंट कर सकते हैं. उसके साथ साथ और भी बहुत सारे तरीके हैं रिक्रिएशन के, जिससे हम रिफ्रेश हो सकते हैं, हमें खुशी मिल सकती है. तो आज मैं कुछ और रिफ्रेशमेंट के वेज बताती हूँ. फन एट फेयर. फेयर क्या है? मेला. एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठे मिलकर जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं. फेयर में क्या है? बहुत सारी दुकानें लगती हैं, बहुत सारे डिलीशियस फूड होते हैं, वहाँ पे स्विंग्स लगे होते हैं. और फेयर कब कब लग सकते हैं? दीज आर हेल्ड ऑन स्पेशल ओकेजंस. अलग अलग मौके हो सकते हैं फेयर के लिए, लाइक दशहरा, दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, ईद एंड सो मैनी फेस्टिवल्स आर देयर इन आर कंट्री व्हेन वी गो टू सी अ फेयर. और मेले में झूले झूलकर अलग अलग तरह के, कई बार सर्कस भी आ जाते हैं मेले में, और कई तरह के ऐसे शॉप्स होती हैं जहाँ पर आप खिलौने खरीद सकते हो या खाने की बहुत सारी चीज़ें भी खा सकते हो. तो इस तरह फेयर इज ऑल्सो वन मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. फन एट सर्कस.
हम सर्कस देखकर भी अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, क्योंकि सर्कस में बहुत सारे ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है जो बहुत ही फैसिनेटिंग होती है, बहुत ही दिल को छूने वाली होती है और हम हैरान हो जाते हैं कि क्या कोई ऐसा भी कर सकता है, क्योंकि वहां पे कौन होते हैं, एक्रोबैट्स होते हैं। अ सर्कस इज अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स। एक्रोबैट्स कौन है? वो लोग जो कलाबाजी करते हैं हवा में एक रोड की हेल्प से, ऊंचे ऊंचे जंप लगा सकते हैं और स्विंग्स की हेल्प से वो कलाबाजी करते हैं। एंड फ्रेंज एनिमल्स, और सर्कस में एनिमल्स भी बहुत अच्छे अच्छे अपनी ट्रिक्स दिखाते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल कपड़े पहनती हैं। जहाँ ऑडियंस बैठती है उसके सेंटर में ही एक बहुत बड़ा रिंग होता है, और सर्कस किसमें लगती है? एक बहुत बड़े टेंट में। इट इज ऑलवेज हेल्ड इन बिग टेंट्स, बड़े बड़े टेंट लगाए जाते हैं और इन टेंट्स के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत बड़ा रिंग होता है, और इसी रिंग के अंदर ही जो एक्रोबैट्स हैं, जो परफॉर्मर्स हैं, जोकर हैं, क्लाउन्स होते हैं जो फंसाते भी हैं पब्लिक को, एनिमल्स आते हैं अपनी ट्रिक्स करके दिखाते हैं। तो इस तरह सर्कस भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिक्रिएशन है। लेट्स समराइज द चैप्टर नाउ। रिक्रिएशन प्रोवाइड्स फ्रेशनेस टू अस। रिक्रिएशन मतलब एंजॉय करना, अपनी खुशी का कोई काम करना, उससे हमें क्या मिलती है? फ्रेशनेस मिलती है, हम तरोताजा हो जाते हैं और हमारा फिर काम करने में भी मन लगता है। गेम्स कीप अस फिजिकली फिट। जब हम गेम्स खेलते हैं तो हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, बॉडी पार्ट्स अच्छे से मूव करते हैं और जिसके कारण हम फिजिकली फिट रहते हैं, शारीरिक रूप से हम सही रहते हैं, बीमार नहीं पड़ते। वी शुड प्ले गेम्स इन अ फेयर मैनर। जब भी हम गेम्स खेलें हमें हमेशा रूल्स के अकॉर्डिंग उस गेम के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करना चाहिए और बिना कोई चीटिंग किए गेम्स को खेलना चाहिए। चलिए तो आप देखते हैं कि हम फेयर में और सर्कस में जाकर कैसे अपना रिक्रिएशन कर सकते हैं। बच्चों, क्या इस जगह को पहचानते हो? यस, ये क्या है? ब्रह्म सरोवर है। और ब्रह्म सरोवर पर ये क्या लगा हुआ है? गीता जयंती, गीता महोत्सव, जो हर साल यहाँ पे लगता है और आप लोग ज़रूर यहाँ पे घूमने गए होंगे। ये एक बहुत ही फेमस फेयर है, पूरे हरियाणा से, पूरे देश से लोग इसे देखने आते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टॉल्स लगी हैं, शॉप्स लगी हैं, खाने की, कपड़े की, खिलौने की और बहुत सारी चीज़ें। जो लोग यहाँ पर आते हैं बहुत सारी शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं और अलग अलग तरह के डिलीशियस फूड भी खाते हैं। कई स्टेट से यहाँ पे शॉपकीपर आते हैं और अपनी स्टॉल्स को लगाते हैं। तो इस तरह से ये भी एक सोर्स ऑफ रिक्रिएशन है, हम फ्रेश फील करते हैं इस तरह से फेयर में जाकर। दिस इज़ अ वीडियो ऑफ अ सर्कस। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हो? ये लोग कुछ ट्रिक्स दिखा रहे हैं झूला झूलते हुए, और इनको हम क्या बोलते हैं? एक्रोबैट्स। एक्रोबैट्स जंप एंड शो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्ट्स इन द एयर। देखो किस तरह से ये बैलेंसिंग करते हुए अपने आप को एक दूसरे की हेल्प से परफॉर्म कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टू वॉच द एक्ट्स एंड ट्रिक्स ऑफ
all the artists in the circus. 12. Fun and play. It is very necessary to have fun. It is because continuous work makes us dull. The different ways of recreation provide freshness and fun to us. We play different games, visit fair, circus, zoo, exhibition, etc. to have fun. You might also be playing some kind of game at home. Also, there is a games period in your school timetable. The games are of two main types, indoor and outdoor games. The games that we play inside our home are called indoor games. Chess, Ludo, Snakes and Ladders, Carrom, Monopoly, Scrabble, cards, etc. are some common indoor games. The games that we play outside our home in the fields are called outdoor games. Football, cricket, hockey, lawn tennis, etc. are some common outdoor games. Besides these, there are some modern games that are played on the television and computer screens. These are called video games. The outdoor games provide us recreation as well as exercise of the body. This is because we run or jump while playing these games. This makes our body parts move and hence it improves the rate of blood circulation. This keeps us more active and fresh. It is not good to play more video games. Playing video games for long duration can harm our eyes, so we should avoid playing too much video games. Rules to play games. Every game has certain rules. These rules should be well known and should be followed honestly. We should not cheat our playmates. Playing fair game provides us with real recreation and enjoyment. Cheating in games while playing creates an unhealthy situation. This results in arguments and sometimes clash among players. So, we should always play in the spirit of the game. Fun at fair. You might have been to a fair. What did you like the most at the fair? Fairs are a good means of recreation. These are held on several occasions such as Dashera, Diwali, Holi, Durga Puja, Eid, etc. People from all around go to fairs to enjoy and also to purchase various useful things. There are several shops in a fair. There are also fun rides, toy trains and swings for children in a fair. Children enjoy these the most. People and children also enjoy eating different food items, sweets, etc. at fairs. Children also buy different kinds of toys and games. Fun at circus. A circus is a group of skilled acrobats and trained animals. These entertain people with fascinating tricks and funny activities. Circus is always held in big tents installed in a big ground. There is a ring in the center of the tent. All the acrobatic tricks and activities are performed in the ring. All around the ring, there is seating arrangement for the people who come to see the circus. In the circus, the acrobats and even some animals are dressed in colorful and shining dresses. The acrobats jump and show different kinds of somersaults in the air. They also ride on unicycles, a cycle with only one wheel, and show the acts of balancing their body in different ways. The jokers and clowns make people laugh with their silly acts. Different animals perform their tricks they are trained in. Elephants play cricket with a bat in their trunk. They also walk on their two hind legs and dance to the beats of drums. There are trapeze artists who show their thrilling skills in the mid-air. They swing high up on the swinging swings and show their skillful tricks while swinging. It is thus very interesting and exciting to watch the acts and tricks of all the artists in a circus. It is a great fun for children to see the circus. Be ready for exercise page number 75. First of all, we will do question A. Tick the correct answer. आपको बच्चों जो right answer है
ए बी सी ऑप्शन में इनके ऊपर टिक करना है. नंबर वन, द गेम वी प्ले इनसाइड आवर होम, हॉकी, चेस, वॉलीबॉल. तो इनसाइड आवर होम हम कौन सी गेम खेलते हैं, दैट इज चेस. तो आप चेस के ऊपर टिक करोगे. नंबर टू, द गेम वी प्ले आउटसाइड आवर होम, आउटसाइड मतलब घर के बाहर, हम इनमें से कौन सी गेम खेलते हैं, कैरम, क्रिकेट, बैडमिंटन. तो कौन सी गेम आउटसाइड खेलते हैं, क्रिकेट, क्रिकेट को टिक करोगे. नंबर थ्री, वी गो टू आ फेयर. फोर, हम फेयर, फेयर मतलब मेले में क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं. फोर फन, बोर्डम, बोर्डम मतलब अपने आप को बोर करने के लिए, वेस्टिंग टाइम या टाइम वेस्ट करने के लिए. तो फेयर के लिए हम जाते हैं किस लिए, फॉर फन. तो आप फन को टिक करोगे. क्वेश्चन बी, राइट ट्रू और फॉल्स. अब आपको ट्रू फॉल्स करने हैं. नंबर वन, कॉन्टिन्यूअस वर्ब मेक्स अस डल, कि अगर हम लगातार काम करते हैं तो हम डल हो जाते हैं, हमारा उस काम में मन नहीं लगता. यस, दिस इज ट्रू. नंबर टू, वी हैव टू टाइप्स ऑफ गेम्स, दो तरह की गेम्स होती हैं, इंडोर एंड आउटडोर. यस, दिस इज ट्रू. नंबर थ्री, चेस इज एन आउटडोर गेम, चेस एक आउटडोर गेम है, चेस को हम बाहर खुले मैदान में खेलते हैं. तो ये क्या है स्टेटमेंट, फॉल्स, बिकॉज चेस इज एन इंडोर गेम. नाउ नंबर फोर, बैडमिंटन एंड वॉलीबॉल आर इंडोर गेम्स, कि जो बैडमिंटन है, वॉलीबॉल है, वो इंडोर गेम्स हैं. दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज ये आउटडोर गेम है, हम इन्हें फील्ड में खेलते हैं. नंबर फाइव, फेयर्स आर नॉट अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन, कि जो फेयर्स हैं, मेले हैं, वहाँ जाके हम फन नहीं कर सकते. यस, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट, बिकॉज फेयर आर अ गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन. नाउ क्वेश्चन सी, फिल इन द ब्लैंक्स. अब हम फिलअप्स करते हैं. नंबर वन, द गेम्स दैट वी प्ले इनसाइड आवर होम आर कॉल्ड, जो गेम्स हम घर के अंदर बैठकर खेल सकते हैं वो गेम्स कौन सी गेम्स कहलाते हैं, इंडोर गेम्स, यहाँ पर इंडोर गेम्स लिखेंगे. नंबर टू, द गेम्स दैट वी प्ले आउटसाइड आवर होम आर कॉल्ड, और जो गेम्स हम घर के बाहर खेलते हैं, खुले मैदान में खेलते हैं, वो कौन सी गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स. नंबर थ्री, गेम्स कीप अस फिजिकली, जो खेल हैं, जब हम वो खेलते हैं तो हम शारीरिक तौर से फिजिकली क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं एंड हैप्पी और खुश रहते हैं. नंबर फोर, आ डैश इज अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स एंड ट्रेन्ड एनिमल्स, स्किल्ड एक्रोबैट्स कर्तव्यवास और ट्रेन्ड एनिमल्स का ये एक ग्रुप होता है. तो ये ग्रुप कहाँ होता है, वो क्या है, सर्कस. अ सर्कस इज अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स एंड ट्रेन्ड एनिमल्स. ऑन पेज नंबर 76, क्वेश्चन डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको इन क्वेश्चंस को अच्छे से पहले समझना है और जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसका आंसर नोटबुक में लिखना है. नंबर वन, व्हाई डू वी प्ले गेम्स, हम गेम्स क्यों खेलते हैं. वी प्ले गेम्स टू कीप अस फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि गेम्स हमें फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं. व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गेम्स, दो टाइप की कौन सी गेम है, लिखोगे
Number one, indoor game, and number two, outdoor games. Number three, name two indoor and outdoor games. अब इस क्वेश्चन में आपको इंडोर गेम्स कौन कौन सी होती हैं, दो इंडोर गेम्स के नाम लिखोगे और दो ही आउटडोर गेम्स के नाम लिखोगे। तो इंडोर गेम्स कौन सी होती हैं, आपने बहुत सारी अभी देखी है वीडियो में, पिछली वीडियो में, चेस, कैरम, स्नेक्स एंड लैडर्स, यस, और आउटडोर गेम्स क्रिकेट, हॉकी, वॉलीबॉल, आप कोई भी दो गेम्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन फोर, व्हाई डू वी गो टू अ जू, हम जू में क्यों जाते हैं। वी गो टू अ जू टू सी एनिमल्स एंड बर्ड्स एंड फॉर फन, हम फन के लिए जाते हैं जू में क्योंकि हम वहां पर बहुत सारे एनिमल्स देखते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स देखते हैं। नंबर फाइव, व्हाट इज अ सर्कस, सर्कस क्या है। अ सर्कस इज अ ग्रुप ऑफ स्किल्ड एक्रोबैट्स एंड ट्रेन्ड एनिमल्स, सर्कस एक वो ग्रुप होता है जिसमें कर्तव्यबाज बहुत सारे कलाकार अपना कला का प्रदर्शन करते हैं, हमें कला दिखाते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ट्रिक्स करके दिखाते हैं और बहुत सारे ट्रेंड एनिमल्स भी वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और जो परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन ई, थिंक एंड आंसर, अब आपको सोचना है और इसका आंसर लिखना है। अ साउंड माइंड इज फाउंड इन अ साउंड बॉडी, साउंड माइंड मतलब तंदुरुस्त दिमाग, एक तंदुरुस्त बल्कि हेल्दी बॉडी में होता है। हेल्दी माइंड इज ऑलवेज फाउंड इन अ हेल्दी बॉडी, डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री हो, ये मानते हैं। यस वी आर एग्री दैट अ साउंड माइंड इज फाउंड इन अ साउंड बॉडी। व्हाई, ऐसा क्यों मानते हैं, क्योंकि अगर हम फिजिकली फिट होंगे तो हमारा दिमाग भी अच्छी तरह से काम करेगा। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, तो ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है, ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप समझिए। यू आर वॉचिंग अ मैच ऑन टीवी, कि आप अपने घर के अंदर हैं और टीवी के ऊपर मैच देख रहे हैं। योर यंगर ब्रदर और सिस्टर कम्स अलोंग, तो आपका छोटा भाई या बहन जो आपके साथ घर में रहते हैं वो आते हैं। एंड wants to watch a cartoon show for about 10 minutes, और वो आपको कहते हैं कि उन्हें केवल 10 minutes के लिए एक कार्टून शो देखना है टीवी के ऊपर। What will you do, आप क्या करोगे। Tick the correct option, तो ये जो फोर ऑप्शन दिए हैं इनमें से आप करेक्ट ऑप्शन को टिक करोगे अपने अकॉर्डिंग। नंबर वन, फाइट विद हिम और हर एंड शाउट एज यू टेल हिम और हर टू गो अवे, आप जोर जोर से चिल्लाना शुरू करोगे अपने भाई या बहन के ऊपर, छोटे भाई बहन के ऊपर, कि वो यहाँ से चला जाए और उसे मैच देखने दे, या फिर टेल हिम और हर नाइसली, कि आप उसे बड़े आराम से बताओगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द स्पोर्ट्स यू आर वॉचिंग, कि जो मैच आप देख रहे हो उसके कुछ इम्पोर्टेंट बातें उसको समझाएंगे। नंबर थ्री, या फिर आल्सो वॉच द कार्टून शो विद हिम और हर, या आप अपने छोटे भाई के साथ कार्टून शो देखोगे बैठकर। नंबर फोर, या फिर एक्सप्लेन टू हिम और हर, या उसे एक्सप्लेन करोगे दैट द मैच इज इन अ इंटरेस्टिंग स्टेज, कि इस समय जो मैं मैच देख रहा हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रहा है। And you will also watch the cartoon with him or her after it gets over. और आप उसको समझाएंगे कि जब मैच खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अपने भाई या बहन के साथ बैठ के कार्टून चैनल उसके साथ देखोगे। तो आपको सोचना है कि
कि आप इसमें से कौन सी सिचुएशन को टिक करोगे. ओके, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन ए. व्हाई शुड वी प्ले गेम्स? हमें गेम्स क्यों खेलनी चाहिए? गेम्स खेलने से क्या होगा? क्वेश्चन बी, व्हाट डू यू मीन बाय इंडोर गेम्स? इंडोर गेम्स का क्या मतलब है? किसे इंडोर गेम्स कहते हैं? डेफिनेशन लिखोगे इंडोर गेम्स की. नंबर क्वेश्चन सी, नेम योर फेवरेट गेम. अपनी फेवरेट गेम आप लिखोगे, जो गेम आपको खेलना सबसे ज़्यादा पसंद है. थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल.